Dear students, welcome back. Bureaucracy. इस वर्ड से आप जरूर रूबरू होंगे. आप ब्यूरोक्रेसी के संपर्क में आए होंगे अपने सर्टिफिकेट्स के लिए, अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इवन लेबोरेटरीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप इनसे टकराए होंगे, फ्रस्ट्रेट हुए होंगे. कई बार आपने कोसा होगा, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो है वो हमारे कंट्री के ग्रोथ को स्लो करती है और ये इंडिविजुअल या जो सिटीजन को सर्विसेज देने में डिले करती है. कई निगेटिव कन्नोटेशन इसके बारे में आपने सुना होगा. ब्यूरोक्रेसी का ध्यान आते ही आपको लगता होगा कि यह सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट का एक ग्रुप है. ये गवर्नमेंट का वो फेस है जो पब्लिक को दिखता है, जिससे पब्लिक टकराती है, जो एक फिल्टर्ड होकर के गवर्नमेंट को जो आप अप्रोच करते हैं, जो सरकार कहते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही होती है. आपके माइंड में एक पिक्चर बनती होगी. सो लेट अस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि जो वेबर ने, मैक्स वेबर ने जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी दिया था, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसको कैसे टैकल करेंगे इन अ शॉर्ट वीडियो. लेट अस बिगिन. यदि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन देखें तो मैंने इसको पहले वीडियो में भी कहा था कि यह इंटरस्प्रेड होता है, मतलब इंटरचेंज होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर के थ्योरी से. तो ये जो छह क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्लासिकल थ्योरी पे, इसमें दो ही केवल आपको जो है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पे, ये पिछले कुछ सेमेस्टर के लिए गए हैं. ऑफ कोर्स ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें फर्स्ट है ब्रीफली एग्जामिन मैक्स वेबर्स आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, एंड सेकेंड क्वेश्चन जो पूछी गई है क्रिटिकली डिस्कस मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी. तो ये बिल्कुल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. और इन दोनों को यदि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और मैक्स वेबर के आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि श्योर हो जाएगा. और ये आसान भी है, नोट्स में भी पूछा जा सकता है. लेट अस सी द बैकग्राउंड. जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर ने दिया 1920s में, यदि आप याद करें तो मुगल काल में, यदि आप याद करें, मनसबदारी सिस्टम होती थी इंडिया में. चाइना में भी अलग टाइप की ब्यूरोक्रेसी होती थी, इजिप्ट में होती थी, सुमेरिया जो सुमेर की सिविलाइजेशन थी उसमें शुरू हुई थी. यदि आप फिर से आइए, आप मनसबदारी को देखिए. मनसबदारी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, अकबर ने बनाया था एक, आप इसको एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कह सकते हैं, जिसमें कि जाट रैंक और सवार रैंक होता था और वो जो है एक तरह से सैनिक भी होते थे, सेनापति जिसको कह लीजिए, और मिलिट्री ऑफिसर भी और सिविल सर्वेंट भी, दोनों का मिला जुला रूप था. लेकिन यदि आप देखेंगे तो इन ऑर्गेनाइजेशन इन मेडिवल टाइम लाइक मनसबदारी वेयर बेस्ड अपॉन ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक लीडरशिप. जो उसके मनसबदार होते थे, उसके पहले इंडिया में जो है मुस्लिम जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने इक्तादारी सिस्टम लागू किया था. उसमें जो इक्तादार होते थे, मनसबदार होते थे, उनका पोजीशन ऑलमोस्ट हेरिडेटरी होता था, ट्रेडिशनल होता था. इवन इंग्लैंड में जो नाइट्स लॉर्ड्स ये जो होते थे वो भी ट्रेडिशनल होते थे और वो जो है एक तरह से जो है खानदानी वो चलता था. या लीडरशिप जो है कैरिस्मेटिक होता था. कोई यदि बहुत करिश्मा है, पावर है, तो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसमें उसका रूल चलता था. जैसे ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन यदि आप देखेंगे तो उन जनजातीय क्षेत्रों में. तो लेकिन जो जो वहां पे यदि आप ऑर्गेनाइजेशन देखे उस टाइप का, तो उसमें किनशिप, मतलब आपके जो रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप, कस्टमरी और ट्रेडिशनल जो इंटाइटलमेंट्स है, जो आपको परिवार से मिलते हैं, समाज में एक स्थान आपको मिलता है क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर वंश में जन्म लिया है या आपके खानदान की एक हैसियत रही है, या उस बेसिस पे जो आपको मिलता है, जो सिलेक्शन होता है पोजीशन का, चाहे वो मनसबदारी में हो, इक्तादारी में हो या अदर्स में हो, तो ऐसे में जो लॉयलिटी होती थी वो जो आपके सुपीरियर या लीडर होते थे उसके एज ए पर्सन होती थी, उसकी पोजीशन से नहीं होती थी. कई बार यदि वो मनसबदार रिवोल्ट कर देता था तो उसके सारे जो सबॉर्डिनेट होते थे वो भी उसके साथ में रिवोल्ट कर देते थे और वो अलग अपना ग्रुप बनाते थे. ऐसा होता रहा है. ये सब मेडिवल टाइम में इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते थे सरकार को और स्टेट को, या मोनार्कीज को कह लीजिए, किंग्स को. विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट, जब ये 18th-19th सेंचुरी में ऐसा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में, फिर डेमोक्रेसी का पूरा फैलाव हुआ और नेशन स्टेट बने यूरोप में. आप यूरोप के संदर्भ से देखिए मॉडर्न वर्ल्ड में, तो देन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड फैक्ट्रीज जो उस समय में बड़े हो रहे थे, दे स्टार्टेड चेंजिंग, वो बदलने लगे. अब वहां पे जो है ट्रेडिशनल या कैरिस्मेटिक लीडरशिप नहीं, बल्कि रैशनल लीगल ऑथोरिटी जो बेवर बोलते हैं, मतलब जिसकी
जो अथॉरिटी है उसका कोई खानदान से किनसिप से नाता नहीं है, वो अपने एक्सपर्टाइज और उसके एबिलिटी स्किल के बेसिस पे वो बना है, उस पोजीशन को एक्वायर कर रहा है, वो रैशनल डिसीजन ले रहा है, रूल रेगुलेशन बेस्ड, और जो जो कि लीगलाइज्ड है, जो वहाँ के लॉ है उसको, वो अथॉरिटी जो है उसको इनबॉडी करता है, उसी को लागू करता है, और जहाँ पे कि जो अथॉरिटी का रिलेशनशिप अपने सबॉर्डिनेट्स से जो है वो पोजीशन से है, वो पर्सन से नहीं है, इम्पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है, एक हायरार्की होने लगता है, रूल ऑफ लॉ होने लगता है, रूल्स रेगुलेशन हो जाता है, स्पेशलाइजेशन होने लगता है, ये सब दिखता है मॉडर्न जमाने में जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो फैक्ट्रीज की हो। तो जैसा मैंने बोला कि मेरिट नॉट किनशिप, लॉयलिटी टू पोजिशन नॉट टू पर्सन, प्राइमेसी टू रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट टू ट्रेडिशनल नॉलेज, and rational, not subjective decision making, it is became features of evolving modern organization. तो modernity का जो हम concept लेते हैं, यदि modernity कुछ होती है तो ये होने लगा। इसको Max Weber ने as a sociologist, he was a German sociologist and political economist, तो वो ये evolution कैसे organization का हो रहा है ancient से medieval और modern time में उसको study कर रहे थे। He found कि organization जो है modern time में वो बदल रहा है, instead of traditional and charismatic leadership, now it is based on rational legal authority, or instead of subjective or jaise rule of thumb ya hunch type ke jo decision hote hain traditional knowledge based, waisa nahi ho karke rational decision making ho rahi hai, organization jo hai zyada formalized hote ja rahe hain, jo loyalty ho rahi hai wo person ko nahi position se ho rahi hai, specialization ho raha hai and meritocracy ho rahi hai, jo bhi positions hain wo fill jo hai पर्टिकुलर मेरिट के बेसिस पे हो रहे हैं, और कैरियर ब्यूरोक्रेसी शुरू हो रही है, एक पर्सन जो है 30 साल 35 साल जो है स्पेशलाइज करता है और कोई जॉब नहीं करता है, बस वो काम करता है गवर्नमेंट या फैक्ट्रीज में, तो उसको उन्होंने जो है ब्यूरोक्रेसी, जो कि वर्ड ये मैक्स वेबर का दिया हुआ नहीं है, ये बहुत पहले से भी चला आ रहा है, उसके बाद भी इसके बहुत कनोटेशन रही है, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट बनाया, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इस तरह की इवोल्यूशन को जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इवोल्यूशन को स्टडी करने में, टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे जो है इवॉल्व हुआ मॉडर्न टाइम में, विच एम्बॉडी ऑल फीचर्स इन इट आइडियल फॉर्म, मतलब वेबर का कहना था, जो हम लोग आगे देखेंगे। सो दिस इज ए स्मॉल बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एज गिवन बाय वेबर। एक बात और याद रखिए कि वेबर ने जो ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दिया था ऑलमोस्ट अपने लास्ट फ्यू डेज में दिया था, इनफैक्ट जो बुक रिलीज हुई थी वो पोस्टमसली उनके मरने के बाद हुई थी, उनकी डेथ 1920 में हुई थी और 21 में आया था, लेकिन बहुत सारे उनके जो एसेज हैं उनके जस्ट लास्ट ईयर्स में ब्यूरोक्रेसी पे मोस्ट प्रोमिनेंट एसेज आए थे। आइए देखें कि जो मैक्स वेबर ने जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की जो कॉन्सेप्ट डेवलप की थी उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। इसको कई जगह आप देखेंगे बहुत तरीके से है, मैंने जस्ट समराइज करने की कोशिश की है। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक्सपर्टाइज डेवलप होती है, एक पर्टिकुलर मैनेजर या ऑफिसर जो है वो एक पर्टिकुलर काम करता है, सो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाती है। देन हायरार्किकल ऑथोरिटी स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसको लाइन ऑफ कमांड बोलते हो, बहुत क्लियर होती है, मतलब कोई वेगनेस नहीं, किस कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, ये एकदम स्ट्रक्चर क्लियर होता है, हायरार्की एक क्लियर हायरार्की होती है। एंड जैसा मैंने पहले भी बताया कि रिलेशनशिप जो है इम्पर्सनल होता है, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में भी जो उनका डिसीजन मेकिंग होता है वो भी आदमी को ध्यान में रख के नहीं होता है। इनफैक्ट एक जोक ब्यूरोक्रेसी में चलती है कि यदि ब्यूरोक्रेट्स के पास कोई फाइल आती है उसमें अपने ही को कत्ल करने का ऑर्डर हो तो वो उसको भी साइन कर देता है, बिकॉज वो पर्सन को पिक्चर में नहीं लाता है। तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है, इम्पर्सनल वे ऑफ वर्किंग होती है, जो लॉयल्टी होती है वो पर्सन को नहीं बल्कि पोजीशंस को होती है, इसलिए इसको एक जनरल भाषा में कहते हैं बाबू डम में, कि वो कुर्सी की पूजा होती है आदमी की नहीं। और जो ब्यूरोक्रेसी और सिटीजन के बीच में भी जो है इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है, जिसको कि सिटीजन कई बार पसंद नहीं करते हैं, यदि आप ब्यूरोक्रेसी से टकराते हैं तो आपको कहा जाएगा कि इट डजंट मैटर कि आपकी क्या समस्या है, हमें तो रूल रेगुलेशन देखनी है। तो ये जो रूल रेगुलेशन पे जो प्राइमेसी है वो और इसको इम्पर्सनल बना देता है। रैशनलिटी जो है वो सबसे बड़ा इसका फीचर है, जो इसकी ऑथोरिटी होती है वो रैशनल लीगल होती है, ना कि ट्रेडिशनल या कैरिस्मेटिक, और उस इसलिए जो है जो ये मेरिट पे बेस्ड होता है, क्योंकि जो पोजीशन कोई भी एक्वायर करता है ब्यूरोक्रेट
वो अपने एक्सपीरियंस से, स्किल्स से, एबिलिटी से, नॉलेज से, एक्सपर्टाइज से करता है, और कोई निपोटिज्म या करप्शन इसमें नहीं होनी चाहिए ऐसा माना जाता है आइडियल टाइप में। ऑफकोर्स रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। एंड इसमें एक कैरियर सर्विस की कल्पना की जाती है, मतलब 35 साल 37 साल जो कैरियर ब्यूरोक्रेट होते हैं वो एक एग्जामिनेशन या अलग तरीके से सेलेक्ट होकर के आते हैं, उनका जो टेनियर है वो प्रोटेक्टेड होता है, उनको हटाया नहीं जाता है, वो और कोई काम नहीं करते, उनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, वो स्पेशलाइज होते हैं अपने जॉब में, पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, और वो जो है 35-37 साल के बाद रिटायर करते हैं, जनरली इसमें पेंशन भी मिलती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कैरियर ओरिएंटेशन की, ये भी इसका एक फीचर है। तो दीज आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट जो इन्होंने बनाया था। ये कोई रियलिटी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट जो वेबर ने बनाया था कि इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन दिखता है जो कि अपने आइडियल फॉर्म में हो सकता है ब्यूरोक्रेसी के। सो दिस इज आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी एसेंशियल फीचर्स। यदि इसके अन्य फीचर्स हम देखें आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी के, तो मैंने बार बार कहा है कि ये कोई रियलिटी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट है टू एक्सप्लेन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे जो है ट्रेडिशनल एंड करिस्मेटिक बेस्ड लीडरशिप से रैशनल लीगल अथॉरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हुई, और कैसे मॉडर्न जमाने में जो है ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन अपने को ऑर्गेनाइज किया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ह्यूमन कैसे अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं टू अचीव सम गोल इन द सोसाइटी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो वेबर का ये कहना था कि जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो बेस्ट वे है जिसमें कि या मोस्ट इफिशियंट एंड इफेक्टिव वे है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का, यदि इस वे में उसको ऑर्गेनाइज किया जाए ह्यूमन एक्टिविटीज को। इसको जो है आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट है, दूसरा समझ सकते हैं कि ये एक मेजरिंग रॉड की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। ये अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है, जैसे मीटर है तो आप उससे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो टाइम एंड स्पेस में, यदि आप चाइना में ऑर्गेनाइजेशन को यदि आप देखें तो आप इस मेजरिंग टेप से, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी से आप उसको नाप सकते हैं कि वो कैसा है, क्या मतलब कितना दूर है इस ब्यूरोक्रेसी से, और उसके फीचर्स कितने इससे अलग है। इस तरह से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए मेजरिंग रॉड, और ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जितने वीडियो या जितने इस पे और लेक्चर सुनेंगे उसमें ये बहुत कंफ्यूजन है कि आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी क्या है। कोई कहता है कि आइडियल मतलब आइडिया से निकला है, कोई कहता है कि इसको आप कंपेयर कर सकते हैं रियल से, कोई कहता है ये एम्बॉडी करता है जो आइडियल हो सकता है, बट मेरे विचार से तो मैंने पढ़ा भी है, इट्स नथिंग बट नॉट रियलिटी बट ए कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट, और इसको बेस्ट जो है आप एक मेजरिंग रॉड की तरह यूज कर सकते हैं टू कंपेयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन टाइम एंड स्पेस, जिससे आप इवोल्यूशन समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे मॉडर्न टाइम में इवॉल्व हुआ है। इसके अलावा थर्ड इसकी फीचर है, इट सपोर्ट्स पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। आप याद कीजिए कि मैंने वुड्रो विल्सन के आर्टिकल से शुरू किया था, जब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यह था, यहां से शुरुआत ही हुई थी कि जो ब्यूरोक्रेट होंगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो एकदम ए पॉलिटिकल होंगे, पॉलिटिकल हरी भरी से जो है सेपरेट होंगे, वो मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, वो जो है किसी तरह के इंटरेस्ट और पावर बेस्ड पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं होंगे, वो अपना रूल बेस्ड रैशनल वे में जो है वो जो है मेरिट बेस्ड में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो कि गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके जो लॉज हैं या पॉलिसीज हैं उसको ए पॉलिटिकल वे में इंप्लीमेंट करेगी। तो ये जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी है उसको ये आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल जो है एक्सेप्ट करता है, और ये मानता है कि यह इम्पर्सनल रूल एंड मेरिट बेस्ड एंड रैशनल एंड परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इन प्लेस ऑफ हाईली वोलाटाइल इंटरेस्ट एंड पावर बेस्ड पॉलिटिक्स। ब्यूरोक्रेसी जो है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रैशनल लीगल अथॉरिटी, ये मैंने बार बार कहा है, एज अपोज टू द ट्रेडिशनल एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। इनफैक्ट ये वेबर का बहुत बड़ा एक थ्योरी है, इनफैक्ट उनकी जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो ये रैशनल लीगल अथॉरिटी का एक मैनिफेस्टेशन है, ये उसका एक समझिए सब क्लॉज है। एंड मेरे विचार से और कई लोग कहते भी हैं जो ब्यूरोक्रेसी, जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी वेबर ने दिया, इट मैनिफेस्टेड या मतलब वो उसका एक एस्पेक्ट था जो कैपिटलिज्म का एक एम्बॉडीमेंट था।
जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा जो लिबरलिज्म का जो सोशल एस्पेक्ट है, जो आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसमें इंडिविजुअलिज्म है, रूल बेस्ड है और राइट्स गारंटीड हैं, एक फंडामेंटल राइट होती है, वो सबको भी जो है, और इम्पर्सनैलिटी होती है, मतलब पर्सनल प्रेफरेंस सबकी अलग अलग हो सकती है, ये जो है जो सोशल एस्पेक्ट लिबरलिज्म की को भी ये अपनाता है, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट डेमोक्रेसी का अपनाता है। डेमोक्रेसी में भी कि जो है कोई नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि कोई जिसको बोलते हैं डेमोगेगी और या ऊपर से जो है कोई अथॉरिटी जो आ जाए बिना किसी ट्रेडिशन के और बिना किसी मेरिट के। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिबरलिज्म का एस्पेक्ट है वो, और इकोनॉमिक जो आइडियोलॉजी या कह लीजिए डॉक्ट्राइन कैपिटलिज्म का है, इन सब को वो जो है एम्बॉडी करता है। इसलिए ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ये ब्यूरोक्रेटिक जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन हुआ, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वही जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी बाद में अपनाया गया कॉलोनाइजेशन के टाइम में और उसके बाद पोस्ट कॉलोनाइजेशन में, जिसको बहुत लोग जो है अच्छा नहीं मानते हैं। इसको एक वेस्टर्न, एक आप समझ लीजिए कि वेस्टर्न फिनोमिना है और वो जो है हम लोगों के यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में उसको एज इट इज अपना लिया गया, जो हो सकता है कि सुटेबल नहीं हो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, ये इसकी बुराई भी की जाती है। इसके अलावा यदि आप देखें तो ये एक बहुत मैकेनिस्टिक, डीह्यूमेनिस्टिक और क्लोज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। मैंने आपको बताया क्लोज मॉडल मतलब ये होता है जहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है कि अपने इन्वायरमेंट से बिल्कुल कटा हुआ है, ऑटोनोमस जैसा है, रिजिड है, स्टेबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और बहुत ही मैकेनिस्टिक व्यू है कि रूल रेगुलेशन बेस्ड, इम्पर्सनल हो, जहाँ पे कि कोई ह्यूमन जो फीलिंग्स होती है, फियर्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता, ये इसकी बहुत बड़ी बुराई मानी जाती है। ऑफ लेट जो है 19 सेंचुरीज में और बाद में और अभी भी ये ब्यूरोक्रेसी वर्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि एक निगेटिव या जिसको इंग्लिश में पेजोरेटिव बोलते हैं, वो कनोटेशन हो गया कि ये तो रेड टेपिज्म है, इसमें डिले होती है, निपोटिज्म होती है, करप्शन होती है, ये अपना सेल्फ सीकिंग इंटरेस्ट ग्रुप जैसा बन गया है और ये एक ऐसा आयरन केज बनाता है, इसमें सब लोग उलझ के रह गए हैं। पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के चलते हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, पब्लिक बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी के चलते हमको सिविल जो गवर्नमेंट सर्विसेज मिलनी चाहिए, फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पब्लिक फैसिलिटी, वो नहीं मिलती है। तो ये जो एक निगेटिव कनोटेशन है वो भी एक एस्पेक्ट है ब्यूरोक्रेसी का। डिस्पाइट दिस, इन सब के बावजूद ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यूड टू बी द फेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट आप यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचेंगे तो आपको ब्यूरोक्रेसी समझ में आएगा, आपको लगेगा कि ब्यूरोक्रेसी या बाबूडम जिसको बोलते हैं इंडिया में डेरोगेटरी टर्म में, तो वही जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वही सरकार है, और ये इसको कभी हटाया नहीं जा सका। इतने 200 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी रेजिम ने, किसी भी तरह के सत्ता ने, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे रसिया का स्टालिन का हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो अमेरिका में या इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी हो, हर जगह जो है ब्यूरोक्रेसी अपने चरम रूप में पाई गई, इसलिए इतना रिजिलिएंट है। तो दीज आर द अदर फीचर्स ऑफ आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब यदि बहुत तेजी से हम इसके प्लसेज और माइनसेज देखें, मैंने ऑलमोस्ट इसको आपको कह दिया, जस्ट टू रिपीट, प्लसेज यदि आप देखें इसके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी मतलब एक तरह से पहला था और सबसे अभी भी जो है इसको आप कह सकते हैं द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। विजन ऑफ रैशनल, इफिशियंट एंड रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज वेरी मॉडर्न थॉट उस समय में, और इसने बहुत हेल्प किया सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने में, मॉडर्न वे में एसोसिएट होने में, जो कि ट्रेडिशनलिस्ट नहीं था, कस्टमरी बेस्ड नहीं था, या करिस्मेटिक लीडरशिप बेस्ड नहीं था, रैशनल लीगल था, रूल ऑफ लॉ था, तो उससे सोसाइटी को बहुत फायदा हुआ। Adopted by all kinds of organization. आप ये मत समझिए कि ब्यूरोक्रेसी केवल गवर्नमेंट में होती है, लार्ज फैक्ट्रीज, MNCs, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, म्यूनिसिपैलिटीज, सभी ने इसको जो है अपनाया और बहुत सक्सेसफुली अपनाया। प्रोफेशनल, परमानेंट, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द फेस ऑफ अनस्टेबल पॉलिटिक्स, जहाँ पॉलिटिक्स पल पल बदलती है, जहाँ सत्ता बदल जाती है, वहाँ पे ये जो परमानेंसी रही, इसने एक स्टेबिलिटी दी गवर्नमेंट को और सिविल सोसाइटी को, एक जो है सुकून भी मिला क्योंकि वो हमेशा चलता रहा, गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर है उसको इन्होंने बनाए रखा, इसलिए इसको स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था।
its principle positively affected other aspects of society. Life in modern era. In fact, लोग कहते हैं कि society का bureaucratization हो गया. मतलब आपके family में भी जो है, जो father होगा, वो बोलेगा देखो एकदम structure hierarchy एकदम ऐसा रहेगा. देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं चलेगा. एकदम rule based चलेगा. घर का ये नियम है, उसको सबको मानना है. ये authority है. कोई personal basis पे नहीं है कि इस बच्चे को ज़्यादा, उस बच्चे को. तो ये हर जगह जो है society में जब bureaucratization होने लगी, वो सारे features जो आपने देखा ideal type bureaucracy, यदि वो private affairs में जो है फैमिली या अदर किनसिप उसमें जब घुस जाए तो ये इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ. और इसको प्लसेस भी कर सकते हैं कि इतना ज्यादा ये पावरफुल और फोर्सफुल आइडिया था. माइनस यदि आप देखें तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही मैकेनिस्टिक, डिह्यूमनिस्टिक एंड क्लोज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की परिकल्पना ये करता है. ये इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअल इनोवेशन को जो है बिल्कुल ये कर्व करता है. आयरन केज ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल फंस जाता है. केवल कन्फर्म करना है, मतलब आपको अपने बॉसेस को ही प्लीज करना है, जो वो बोल रहे हैं उसको करना है, आपको अपना दिमाग में लगाना है. तो ये इसकी बहुत बड़ी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बुराई है. इसलिए ये बहुत ही रिजिड, स्टैटिक और इनफ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है. और कई लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ अपने में सेल्फ सीकिंग इंटरेस्ट ग्रुप की तरह बिहेव करता है, जो अपना ही पावर को और अपने ही टर्फ को हमेशा बढ़ाते रहता है. और ये कई बार मुझे लगता है ये सही भी है, उससे देश का नुकसान भी होता है. एंड नॉट सुटेबल फॉर थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री, भी मैंने डिटेल में कहा है, क्योंकि ये एक तरह का यूरोसेंट्रिज्म है. जो ये थॉट आई है वो जर्मनी से निकली और मेनलैंड यूरोप और इंग्लैंड और अमेरिका ने इसको अपनाया. लेकिन एज हूबहू यदि हम अपने यहाँ अपना लेंगे तो हमारे यहाँ उस तरह की लिबरल आइडियोलॉजी, उस तरह की कैपिटलिज्म और उस तरह की डेमोक्रेसी है नहीं जो वहाँ पे है. तो इसलिए एज इट इज इसको अपनाने से यहाँ पे जो है, इसलिए इंडिया में ब्यूरोक्रेसी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, उसको इतनी तरह से उसको बुराई की गई. So these are the minuses of bureaucratic theory of Weber. अब finally जो है, हम लोग कुछ prominent contributor, मैंने केवल चार ही मैंने लिया है, और भी कुछ name हैं जिसको मैंने छोड़ दिया है, जैसे James Stuart Mill and Milton, आप इसको देख सकते हैं. First and foremost आपको पता है Max Weber, उनकी ही theory हम पढ़ रहे हैं. 1920 में उनका देहांत हुआ. German sociologist और political economist. And he studied evolution, sociology, क्योंकि वो sociology के ज्ञाता थे, तो उनका sociological evolution कैसे जो है authority का और उसके through organization का हुआ, ये उनका interest था. कैसे जो है rational legal authority, यहाँ पे spelling mistake है, rational legal authority जो हुई है state और bureaucracy की. उन्होंने बहुत famous book लिखा था Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, जो बहुत famous हुई. उन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो मैंने बोला था उनके मरने के बाद पब्लिश हुई एक साल बाद, उसमें उन्होंने बेसिकली आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी को एक्सप्लेन किया था. एंड ही लिंक्ड मॉडर्निटी टू इंक्रीजिंग रैशनलिटी, सेकुलराइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन. तो उनके अनुसार से जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉडर्निटी को एम्बॉडी करता है. कार्ल मार्क्स जो है आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन इन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी पे काफी स्टडी किया, वैसे कोई अलग से बुक नहीं निकाली. उनके अनुसार से ब्यूरोक्रेसी वाज ए फॉर्म ऑफ क्लास डोमिनेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पावर, यूज्ड टू फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास. एंड रॉबर्ट माइकल्स का यहाँ नाम लेना बहुत जरूरी है. ये भी एक, और आप देखें तो ये तीनों अभी तक जो हम देख रहे हैं, और चारों ये पूरे जर्मन है, तो जर्मनी की देन है ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है. तो रॉबर्ट माइकल हैं जर्मन बॉर्न इटालियन सोशियोलॉजिस्ट, बेसिकली तो इटालियन थे लेकिन जर्मनी में इनका जन्म हुआ था. ही फॉर्मुलेटेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, मतलब ओलिगार्ची मतलब जो कुछ लोग मिल करके जो सत्ता चलाते हैं. इनका कहना था कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल ऑफ इलीट्स है, ये कोई मतलब डेमोक्रेटिक नहीं होती है, उसमें ओलिगार्ची है, मतलब कुछ इलीट लोग मिलकर इसको चलाते हैं. ये इनका एक व्यू था. फ्रेडरिक हेगल, जो हेगल तो बहुत बड़े फिलोसफर है मॉडर्न टाइम के, शायद सबसे बड़े, जिनसे इंस्पायर होकर कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी है. तो उन्होंने एक बुक में फिलोसफी ऑफ राइट को, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रैशनल, रूल बाउंड, फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताया था स्टेट का. आपको पता है कि हेगल के लिए स्टेट जो है वो तो आइडियल फॉर्म ऑफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा. उन्होंने स्टेट को बहुत महत्व दिया था, तो उसको चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी एक रैशनल, रूल बेस्ड, फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है. और इसके थ्रू ही जो है मींस बाय विच, मतलब ब्यूरोक्रेसी के मींस से ही जो है स्टेट इंश्योर पब्लिक वेलफेयर एंड डिस्पेंसेस राइट एंड जस्टिस. सो दीज आर द सम ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स अपार्ट फ्रॉम ह्यूमर. सो स्टूडेंट, जस्ट टू सम अप, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय वेबर इज ए कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट एंड मेजरिंग यार्डस्टिक, यूजिंग विच, जिसको यूज करके
using which historical evolution of complex organization can be explained. ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरह explain किया है कि इसको आप एक conceptual construct समझें और एक तरह का measuring yardstick है evolution of organization कैसे हुई है इसको समझने के लिए explain करने के लिए. Bureaucracy denotes organization based on rational legal authority, hierarchical structure, rules and regulation based impersonal relation, merit based selection and appointment, and career orientation. Of late, bureaucracy acquired negative connotation, red tape, lal fita sahi, nepotism, ek dusre ko badhawa dena, personal relation ke basis pe, connection, networking, and corruption. But continued to be indispensable. Kabhi hataya nahi ja saka for managing government, multinational corporation, factories, schools, hospitals, municipality, any kind of organization ko chalane ke liye bureaucracy, bureaucratic form of organization ka ya bureaucrats ka use kiya jata hai. First and foremost theory of organization hai ye robustness. Isme itni resilience rahi ki aaj bhi ye pure duniya mein widely applicable है और इसका wider social effect हुआ है, bureaucratization of society हो गई है and vision of a rational, efficient, apolitical and rule-based organization are some of its pluses and mechanistic and dehumanistic closed model of organization being very rigid, inflexible and status quo change को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है and bureaucracy becoming self-seeking interest group and Eurocentrism, जो हमने देखा कि कैसे ये third world countries के लिए appropriate नहीं है, are some of its minuses. So thank you very much, students, for watching. Good business.